रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले। 5 सितंबर को टीचर डे के तौर पे जो है मनाया जाता है, लेकिन टीचर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि वो जो है हमेशा एक टीचर होता है। उसका तब वो एहतराम सिर्फ एक दिन के लिए मखसूस नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि उस्ताद का अदब व एहतराम हमेशा करें। जो अदब करता है वो जिंदगी के अंदर जो है कामयाब होता है। स्टूडेंट, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता और बच्चे जो है टीचर बनकर एक दिन के लिए देखते हैं कि किस तरीके से टीचर अपनी जिंदगी जीता है। टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि टीचर बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह बनाता है। वो खुद कहीं नहीं पहुंचता लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस टीचर डे के मौके पर हम एक अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीचर का काम बड़ा आसान होता है, बड़ा ही जबरदस्त होता है, कई छुट्टियां इनको मिलती हैं और कई पेमेंट जो है ये उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे उनकी कई जो है मेहनतें लगी हुई होती है। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, एक कहानी, जिसके अंदर एक पिकासो एक इंटरनेशनल लेवल का पेंटर है। वो जो है कहीं घूमने जाता है तो उसके पास एक लेडीज, एक खातून आती और उससे कहती है कि एक ड्राइंग वो मुझे जो है बना के दे। जैसे हम अक्सर ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेते हैं, वो ड्राइंग की डिमांड करती। तो पिकासो कहता है मेरे पास जो है अभी इस वक्त कुछ नहीं है, ब्रश नहीं है, पेंट्स नहीं है। तो वो कहती है मेरे पास पेंसिल और पेपर है, आप इसका इस्तेमाल करके जो है एक बेहतरीन सी जो है ड्राइंग बनाकर दे दीजिए। पिकासो वहीं पर जो है अपने हाथ से पेंटिंग बनाता है, ड्राइंग बनाता है और उसको जो है वो दे देता है और कहता है कि ये जो है एक मिलियन की पेंटिंग है। वो परेशान होती है और वो जो है जाकर दुकानदार से पूछती है, तो दुकानदार कहता है कि हाँ ये एक मिलियन की जो है पेंटिंग। वो दौड़ती हुई जो है पिकासो के पास आती है और कहती है कि बिल्कुल आपने सही कहा और आप मुझे स्टूडेंट बना दीजिए और बता दीजिए कि एक मिनट के अंदर किस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती है। तो पिकासो कहता है मुझे इस एक मिनट की पेंटिंग बनाने के लिए 30 साल लगे, मेरी 30 साल की मेहनत की जो है ड्राइंग बनाई है। उसी तरीके से जब एक मुअल्लिम अपना लेक्चर जो है देता है, पीरियड के अंदर जो है पढ़ाता है, तो उसके लिए उसको कई जो है मराहिल से गुजरना पड़ता है। वो सारे तजुर्बात अपने जो है अपने तमाम जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उस लेक्चर के अंदर जो है रखता है। तो एक लेक्चर जो 30 मिनट का होता है, इसको लेने के लिए इतनी तवानाई लगती है जैसे हमको 10 किलोमीटर पैदल चलने की। तो स्टूडेंट, अगर हमको एक अच्छा टीचर बनना है, जैसे कि 5 सितंबर है, अब 5 सितंबर में बच्चे जो है टीचर बनते हैं, लेकिन इस टीचिंग को मौसर बनाने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर टीचर अपने लेक्चर से पहले जो है तैयारी करता है। तैयारी से किया गया काम वो परफेक्ट और बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम एक मौसर टीचर बन सकते हैं, एक दिन के लिए क्यों ना। और साथ ही साथ आपको जो है टीचर डे के मौके पर जो स्टूडेंट टीचर बनेंगे उनको हासिले की तरफ से मिलेगा एक सर्टिफिकेट, जो आपको इसकी डिटेल जो है इस वीडियो के आखिर में मिल जाएंगी। तो बने रहिए, देखते रहिए। पहली बात तो, जैसे ही अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हैं और आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया है, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उसका सिलेक्शन कर लीजिए। आपने कर लिया होगा, अब वो चैप्टर में से जो भी आपका सबक है, अब सबक चूज करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने वो चैप्टर पढ़ाना है जो बच्चे ने पहले से नहीं पढ़ा है, वरना ऐसा होगा कि क्लास के अंदर जो है शोर शराबा होगा और आपका लेक्चर जो है वो फेल जाएगा। इसलिए आपने ऐसा सबक, ऐसा चैप्टर चूज करना है जो उस क्लास के अंदर नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है आप भी स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए
आप YouTube की मदद लेंगे, अपने जो है सब्जेक्ट टीचर की मदद लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है मुझे समझाइए और आप जो है उनको समझाएंगे। दूसरी बात कि भाई आप जो है आपने सबक को चूज कर लिया, अब उसके बाद आपको जो है इससे पढ़ाने से पहले आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, उसके एक एक पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, टीचिंग एड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप साइंस का जो है आप पढ़ा रहे हैं दिल के बारे में, तो दिल पढ़ाने से पहले अगर हम आए और हमने क्या की सरसरी जो है इस तरीके से हमने किताब निकाले साइंस की और जो है फौरी क्या किया सबक नंबर निकाला और रीडिंग करने लग गए कि इथेनॉल में एस्ट्रोबैक्टर और ग्लूकानो बैक्टर नामी बैक्टीरिया का आमेजा मिलाकर इनकी खुद हयाती तहरीक की जाती है जो है इस तरीके से खाली रीडिंग कर दी और कह दिया कि चलिए मेरा जो है पीरियड हो गया है, मेरा लेक्चर हो गया है। तो इससे स्टूडेंट्स को जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको रीडिंग करनी है घर पर, आपको पॉइंट्स निकालने हैं घर पर, और जो भी आप पढ़ाने वाले हैं तो उस चैप्टर को आप सस्पेंसली एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप पढ़ा रहे हैं फायदेमंद और नुकसानदार खुद भी नहीं जानता, तो आप कह सकते हैं कि चलिए बच्चों हम एक बेहतरीन सबक पढ़ने वाले हैं। जैसे ही बच्चे बेहतरीन का लफ्ज सुनेंगे तो उनके जहनों के अंदर जो है क्लिक होगा और वो सोचेंगे कि कौन सा बेहतरीन है। अब आप कहेंगे कि देखिए हमारे अतराफ में बहुत सारे जो है जानदार होते हैं और कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो सादी आंख से दिखाई नहीं देते, चश्मा लगा दिए तब भी दिखाई नहीं देते। उसको देखने के लिए हमें मुरक्कब खुर्दबीन इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों को जो है जहन में आएगा और आप मिसालें दे सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मेरा हाथ है 2.5 किलो का हाथ, जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है जस्ट जोकिंग। तो ये जो है हाथ के ऊपर कई बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए हम अपने हाथों को खाने से पहले धोते हैं और जो है उसके बाद खाना खाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को इंटरटेन करते हुए, मालूमात देते हुए, एक्स्ट्रा मालूमात देते हुए जो है आप उनको पढ़ाएंगे, तब आपका लेक्चर वो बहुत ही मौसर और बेहतरीन जो है जाएगा। तो याद रखिए कि आपको सबक चूज करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, टॉपिक चूज करना है, टॉपिक की आपको मालूमात देना है, साथ ही साथ अगर आप जैसे दिल पढ़ा रहे हैं तो दिल की आपको है ना शक्ल बना के लेके आना है। एक जो है आप चार्ट पर शक्ल बना लीजिए, क्योंकि वक्त नहीं मिलता 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी आपको दिए जा रहे हैं तो उसमें जो है आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप शक्ल बनाकर वजाहत कर सके। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद जब आप क्लास के अंदर जो है लेक्चर देना हो जाए आपका, आपने समझा दिया, आपने सारी मालूमात दे दी, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड बच्चों से सवालात करें कि बच्चों ने जो है कितना सीखा है। तो आप जो है सवालात जो है पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बच्चे जवाब देंगे। जवाब देने के लिए जो है आप कहें कि जिनको मालूम है वो हाथ उठाएं, वरना जो है मछली बाजार बनाकर रख देंगे। इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब पढ़ाएंगे तो याद रखिए कि बोर्ड का जो है अच्छे से इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जब पीरियड होता और उससे पहले जो है किसी टीचर ने लेक्चर जो है लेकर गया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं फौरी आते हैं और हमारा जो है सिलेबस पढ़ाने लगते हैं हम, जबकि देख रहे हैं आप बोर्ड पूरा साइंस से भरा हुआ है और आपका मराठी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बोर्ड जो है उसके ऊपर साइंस का लिखा हुआ है। तो सारा ध्यान बच्चों का बोर्ड पे रहेगा, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों पे रहेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, बोर्ड को रब करेंगे, ठीक है, बोर्ड को साफ करेंगे और इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ जो है ला रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आप सवालात करेंगे, बच्चे जवाब देंगे। अब ये जो है सेशन आपने हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें जो है 10 से 15 और 20 मिनट जो है हो जाएंगे। अब जो है आपको आखिर में बच्चों को सवालात करने का मौका देना है, क्वेश्चनिंग करने का मौका देना है। याद रखिए बच्चों क्वेश्चनिंग यानी सवालात करने का जो है मौका आप बच्चों को देंगे।
क्योंकि जो टीचर सवालात करने का मौका बच्चों को नहीं देता है, वो सीखने का मौका नहीं देता है। जब बच्चे सवाल करते हैं तो वो सीखते हैं, जो सवाल नहीं करते वो नहीं सीखते। इसलिए हमें चाहिए कि आखिर के 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट हम जो है बच्चों को सवाल करने के लिए बोले। जाहिर सी बात है हमारी प्रैक्टिस रहेंगी और सवालात वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे जो आपने पढ़ाए हैं। अब उसके बाद जो है जब बच्चा सवाल करेगा तो जाहिर सी बात है अगर आपको वो आंसर मालूम है तो आप जवाब देंगे, नहीं मालूम है तो आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे नहीं मालूम है, मैं मालूम करके बताता हूं। आपको इस तरीके से बताना है, उसको जो है गलत जवाब नहीं बताएंगे बल्कि आप कहेंगे मैं जो है मालूम करके कह दूंगी। तो इस तरीके से आपको जो है अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि जो टीचर पहले से मेहनत करके जाता है उसको जो है अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकता है। तो इससे हमको यह एहसास होगा कि हमारे टीचर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, कितने जो है पापड़ बेलते हैं, लोहे के चने चबाते हैं। तो बिल्कुल हमें जो हमारे हमारे अंदर जो है हमारे टीचर्स का अदब व एहतराम बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ेगा, करेंगे सब इंशाल्लाह। अब बात करते हैं आपके जो है सर्टिफिकेट की, जो आप हासिल इल्म के इस चैनल से हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई रहेंगी, वो लिंक जो है आपने कंप्लीट करना है, फिल करना है और उसमें जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है टीचर डे के मौके पर टीचर बनकर किस तरीके से लगा है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।